तो आज के दिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने अहंकारी हैं, गांव में डांट खाते थे अपने ही संसदीय क्षेत्र में और वो नाराज नहीं होते थे, कभी नाराज नहीं होते थे, प्यार से बोलते थे। हमारे देश की जो परंपरा है महात्मा गांधी जी से लेकर सारे नेताओं की, वो यही रही है कि जनता सर्वोपरि है। तो आज के दिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने अहंकारी हैं, आप मुझे बताइए, कोई उनको कुछ कह नहीं सकता। उनको कैसे मालूम होगा कि आपकी परिस्थितियां क्या हैं? आपके बीच तो आते नहीं हैं। आपको याद है इंदिरा जी आती थी, राजीव जी आते थे, मैं खुद उनके पीछे पीछे जाती थी, बच्ची थी, गांव में डांट खाते थे अपने ही संसदीय क्षेत्र में। अमेठी की महिलाएं डांट देती थी कि अच्छा है भैया, हम प्यार तो करते हैं आपसे, लेकिन हमारी सड़क बना दो पहले। और वो नाराज नहीं होते थे, कभी नाराज नहीं होते थे, प्यार से बोलते थे कि बहन कर दूंगा, मैंने इसका ऑर्डर दे दिया है, कुछ समय तो दे दो मुझे, हो जाएगा। ये थी हमारी परंपरा और ये हमारी पुरानी परंपरा है देश की। इंदिरा जी तो कितना आई, मैं छोटे से छोटे आदिवासी गांव में जाती हूँ, छोटे से छोटे घर में मुझे एक महिला मिलती है, बूढ़ी सी, बताती है कि मैंने आपके लिए, आपकी दादी जी के लिए मैंने खीर बनाई थी। और मुझे खुद ताज्जुब होता है कि दादी जी उस जमाने पे पहुंची कैसे। हम तो हेलीकॉप्टर लेके, फिर गाड़ी में जाके, फिर कैसे पहुंचे वहां, वो कैसे आती थी जब वो साधन ही नहीं थे उस समय इतने, लेकिन वो पहुंचती थी। क्योंकि यही हमारे देश की परंपरा रही है, अहंकार की परंपरा नहीं रही है। हमारे देश की जो परंपरा है महात्मा गांधी जी से लेकर सारे नेताओं की, वो यही रही है कि जनता सर्वोपरि है। कि इस देश का किसान सर्वोपरि है। आज किसान को देखिए आंदोलन करता है, दिल्ली आकर लाखों किसान बैठते हैं सर्दी में, उनकी बिजली काटी जाती है, पानी काटा जाता है, मोदी जी घर से नहीं निकलते, पूछते नहीं हैं। 600 किसान शहीद हो जाते हैं, कुछ किसानों को एक भाजपा का मंत्री कुचल देता है अपनी जीप के नीचे, मोदी जी फिर भी कुछ नहीं कहते हैं, सुनवाई ही नहीं होती। वो कानून तब बदले जाते हैं, तब वापस लिए जाते हैं जब चुनाव आने लगता है। बस चुनाव की परवाह है बहनों और भाइयों, सत्ता की परवाह है, आपकी परवाह नहीं है।